अस्सलाम वालेकुम। आई होप आप सारे लोग खैरियत से होंगे। आज के इस लेक्चर के अंदर हम बात करेंगे डाली टू के अबाउट। बेसिकली ये काफ़ी पुरानी चीज़ है, लेकिन मैं इसके बारे में बहुत ज़्यादा लेट बात कर रहा हूँ, लेकिन फिर भी आप लेक्चर आपके लिए वर्थ इट होने वाला है। तो बेसिकली मैं आपको बताते चलूँ कि डाली टू एक सॉफ्टवेयर है, एक AI बेस्ड सॉफ्टवेयर है, जो कि आपकी नेचुरल लैंग्वेज को समझते हुए आपको डिफरेंट तरह की इमेजेस जो है वो डिज़ाइन करके देता है। और ये इमेजेस टोटली कॉपीराइट फ्री होने वाली हैं और आप इनको अपने प्रोजेक्ट्स के अंदर और डिफरेंट जगहों पे यूज़ कर सकते हैं। तो डाली 2 ओपन AI का ही प्रोजेक्ट है और इसको हम देखते हैं कि किस तरह से यूज़ करते हैं। ChatGPT जिनका प्रोडक्ट है उन्हीं का ही ये प्रोडक्ट है, तो इनको हम देखते हैं कि कितना एक्यूरेट है और किस तरह से ये काम करता है। तो चलिए चलते हैं लैपटॉप स्क्रीन के ऊपर और देखते हैं इसकी वर्किंग। तो जी हाँ, हम आ चुके हैं लैपटॉप स्क्रीन के ऊपर। आप यहाँ पे आएंगे openai.com DALL-E 2, आप यहाँ से भी इसको एक्सेस कर पाएंगे। अगर आप बॉटम के अंदर आएंगे तो यहाँ पे आपको ऑप्शन नज़र आएगा डाली 2 के एक्सेस का। तो सिंपल जब आप यहाँ पे आ जाएंगे उसके बाद आपने क्या करना है, सिंपल यहाँ पे साइन अप और साइन इन कर लेना है। मेरा ऑलरेडी अकाउंट यहाँ पे क्रिएटेड है, तो मैंने साइन इन किया है और मैं अपने अकाउंट के ज़रिए इसको क्या कर लूँगा, साइन इन कर लूँगा। ओके, यहाँ पे हमारे पास ये साइन इन हो चुका है। कुछ इस तरह से हमारे पास इंटरफेस नज़र आ रहा है। अब यहाँ पे नेचुरल लैंग्वेज के अंदर मैं जो भी इसको इंस्ट्रक्शन दूंगा उसको समझते हुए ये एक जो है पिक्चर ड्रॉ करेगा। अब यहाँ पे क्वेश्चन है कि क्या ये पिक्चर कहीं से उठा के देगा गूगल की तरह? बिल्कुल नहीं, ये खुद डिज़ाइन करके देगा और वो बिल्कुल यूनिक इमेज होगी। तो चलें चलते हैं, हम इसको कोई देते हैं, लेट्स सपोज एन अलाइव बुक Using Apple Lab, ठीक है। मैंने इसको एक डमी सी क्वेरी दी है, या फिर मैं इसको कर देता हूँ a fox और मैं इसको एंटर करता हूँ। एंटर करने के बाद ये इसको प्रोसेस कर रहा है और एक इमेज क्रिएट कर रहा है, और देखते हैं कि ये इमेज किस तरह से क्रिएट होने वाला है। बेसिकली इसने उस इमेज के 4 वर्शंस क्रिएट किए हैं। जो आपको पसंद है आप उसको डाउनलोड कर सकते हैं। तो यहाँ पे अभी ये लोड हो ही रहे हैं 4 वर्शंस एक चीज़ के, तो हम थोड़ा सा वेट कर लेते हैं और देखते हैं कि इसने क्या किया है। तो यहाँ पे देखें कितने अच्छे स्टाइल के अंदर इसने मेरी इंस्ट्रक्शंस को पिक किया और उसी तरह से यूज़ किया। अब यहाँ पे देखें एप्पल वाला ही फील दिया है इसने, ठीक है, और बड़े अच्छे तरीके से। मैं इसको मज़ीद इन्हेंस करता हूँ, मैं कहता हूँ इसको एन एंग्री फॉक्स, ठीक है, और इसको सर्च करता हूँ और देखता हूँ कि ये अब मुझे रिजल्ट क्या देगा और किस तरह से इसको डिज़ाइन करके देगा। अब यहाँ पे देखें बहुत ही ज़्यादा अच्छे तरीके से इसने मेरी इंस्ट्रक्शंस को समझा और इसी तरह से एक अच्छा सा इमेज जो है क्रिएट करके दिया, और ये मुझे काफ़ी ज़्यादा कूल लग रहा है और काफ़ी ज़्यादा हाई क्वालिटी का अगर मैं इसको सेव करके देखूं। ओके, यहाँ पे मैं इसको डाउनलोड कर लिया और देखता हूँ कि ये कितना हाई क्वालिटी का है। यहाँ पे देखें काफ़ी ज़्यादा हाई क्वालिटी का इसने मुझे ये जो है डिटेल दी है, ठीक है। अगर मैं इसको वापस माइनस करूँ तो यहाँ पे देखें बहुत ही अच्छे तरीके से इसने ड्रॉ किया। अब मैं यहाँ पे आता हूँ वापस और यहाँ पे कोई और इंस्ट्रक्शन देता हूँ। लेट्स से मैं कहता हूँ लाहौर सिटी इन साइबर वर्ल्ड, तो मैं कहता हूँ कि ये किस तरह से इसको प्रसू करता है, किस तरह से इसको लेता है। अब मैंने इसको एक्चुअल सिटी का नाम दिया और देखते हैं कि ये किस तरह से हमें जो है डिज़ाइन करके देता हूँ। और मैंने कहा साइबर वर्ल्ड के अंदर अगर हम देखें तो लाहौर किस तरह से नज़र आना चाहिए, हमें किस तरह का होगा लाहौर। तो इसने यहाँ पे देखें बहुत अच्छे तरीके से लाहौर को ही डिस्क्राइब किया है। ये एक्चुअल इमेजेस इसने जो है प्रोसेस की हैं जिस तरह का लाहौर है। तो इसको मज़ीद आप इन्हेंस कर सकते हैं, इसकी मज़ीद आप वेरिएशन ले सकते हैं। तो मैं अगर कहता हूँ लेट्स सपोज न्यूयॉर्क सिटी साइबरपंक, कुछ इस तरह से इसको इंस्ट्रक्शन देता हूँ। तो यहाँ पे देखें ये एक अच्छा, ये देखें पांडा मेड साइंटिस्ट मिक्सिंग स्पार्कलिंग केमिकल्स, तो मैं इसी तरह से कुछ ऐड करता हूँ। अब यहाँ पे देखें न्यूयॉर्क सिटी को कितने कूल तरीके से इसने डिज़ाइन किया है। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ एंग्री पांडा बिकम साइंटिस्ट, उसी तरह से कुछ डिटेल देते हैं, एंग्री पांडा बिकम साइंटिस्ट ड्रा इन
आर्टिस्टिक मॉड विद हाई क्वालिटी, और इसको मैं कर देता हूँ एंटर। अब देखते हैं ये मुझे किस तरह से जो है उसको परसू करता है और किस तरह से उसको दिखाता है। मैंने जो इसको इंस्ट्रक्शंस दी हैं, तो यहाँ पे देखें इसने आर्टिस्टिक वे के अंदर उसको बहुत अच्छे तरीके से, आप इसके जरिए NFT डिज़ाइन कर सकते हैं, आप करेक्टर्स डिज़ाइन कर सकते हैं, जो भी आपके क्लाइंट की रिक्वायरमेंट है उस तरह से यहाँ पे आप उसको देखे और एक अच्छा सा करेक्टर डिज़ाइन कर सकते हैं। बाद में उसको इलस्ट्रेटर के अंदर ले जाके मज़ीद उसकी वेरिएशंस बना सकते हैं, उसको मतलब आधे से ज़्यादा काम ये आपका कर देगा। तो कुछ इस तरह से आप डाली टू को इंस्टॉल कर यूज़ कर सकते हैं। इसके साथ साथ यहाँ पे एक और ऑप्शन है अपलोड का, आप इसको अपलोड करेंगे इमेज को, कोई भी आप इसको इमेज देंगे और ये क्या करेगा उस इमेज को यूज़ करते हुए उसको मजीद, लेट्स सपोज मैं इसको ये इमेज देता हूँ और मैं इसको फिर इंस्ट्रक्शन दे पाऊँगा। मैं इसको स्किप क्रॉप कर देता हूँ, ओके और ओके कर देता हूँ, और अब इसको मैं इंस्ट्रक्शन दूँगा डिज़ाइन इट विद मोर स्टाइल्स, मैं इसको साइबर पंक स्टाइल कुछ इस तरह का स्टाइल के अंदर मैं इसको अल्टर करना चाह रहा हूँ। तो मैंने इसको इंस्ट्रक्शन दी है कि ये इमेज जो मैंने आपको दी है इसको कुछ इस तरह के स्टाइल के अंदर आप क्या करो अल्टर कर दो, चेंज कर दो। तब देखते हैं कि ये किस तरह से इसको लेता है और किस तरह से इसको डिज़ाइन करके हमें वापस रिटर्न के अंदर देता है। तो फोटो एडिटिंग के अंदर भी आप इसको बहुत अच्छे तरीके से यूज़ कर सकते हैं। तो मैं इसको देखता हूँ कि इसने मुझे क्या डिज़ाइन करके दिया है, यहाँ पे शो होने वाला है, यहाँ से मैं देखता हूँ। ये अभी लोड नहीं हुई तो मैं इसको एक्सेप्ट कर लेता हूँ और देखता हूँ कि ये क्या है। कि यहाँ पे देखें इन्होंने एक डिस्क्लेमर भी दिया हुआ कि इमेज एडिटिंग इज़ नाउ इन बीटा, कि आप इसको जो भी इमेज देंगे वो अभी बीटा फेज के अंदर है, वो इतनी एडवांस नहीं हुई है, तो उसके ऊपर मज़ीद काम चल रहा है। तो हमने इसको इमेज दी है बट स्टिल ये अभी तक इसको प्रोसेस कर रहा है, और देखते हैं कि ये प्रोसेसिंग करने के बाद हमें क्या रिज़ल्ट रिटर्न करता है। तब तक हम थोड़ा सा वेट कर लेते हैं क्योंकि ये खासे रिज़ल्ट मुझे दिखा नहीं रहा, कोई डिफरेंस मुझे फील हो नहीं रहा। मे बी कोई किसी किस्म का ग्लिच है या ये सही तरह से इसको यूज़ नहीं कर पा रहा। तो कुछ इस तरह से ये यूज़ नहीं हो पा रहा। खैर, इस तरह से आप इस डाली टू को यूज़ करते हुए बहुत ज़्यादा कूल आर्ट्स बना सकते हैं, डिज़ाइन कर सकते हैं और उनको यूज़ कर सकते हैं। तो आई होप आपको समझ आई होगी कि डाली टू क्या है और किस तरह से इसको यूज़ कर सकते हैं और डिफरेंट यूनिक इमेजेस जनरेट कर सकते हैं और उनको अपने प्रोजेक्ट्स के अंदर यूज़ कर सकते हैं। किसी तरह का कोई क्वेश्चन है आप नीचे कमेंट कर सकते हैं, मैं आपको ज़रूर रिस्पॉन्स करूँगा। वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें, सब्सक्राइब कर दें ताकि नेक्स्ट आने वाली वीडियोज़ आप तक पहुँचती रहे। अगर आप वर्डप्रेस वेबसाइट डेवलपमेंट सीखना चाह रहे हैं या फ्रीलांसिंग करना चाह रहे हैं तो मैंने डिटेल के अंदर कोर्सेज बनाए हैं, आप उन प्लेलिस्ट को जाकर चेकआउट कर सकते हैं। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। कीप लर्निंग, कीप एक्सप्लोरिंग।